फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन सोर्स कुक। ये है हमारा हाइड्रोपोनिक सेटअप जिसका वीडियो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। तो आज 6 दिसंबर हो गई है, 6 दिसंबर 2020। और ये देखिए हमारे टमाटर के पौधे कितने बड़े हो गए हैं। जो मैंने आपको दिखाए थे, मैं इसमें अभी फोटोज भी डाल देता हूँ पुरानी वाली। ये देखिए, ये इसकी रूट्स हो रही हैं। अब इसका मैं पानी बदली करूँगा एक आध दिन में। वैसे पानी बदलने की ज़रूरत नहीं, बट अगर इसमें ये बढ़ रहे हैं तो हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह थोड़ा डालेंगे। और इधर देखते हैं, ये हैं हमारे बैंगन के पौधे। इसमें थोड़ा सा इशू आ गया था, बीच में पत्ते जल गए थे, कुछ हो गए थे, तो मैंने पानी निकाल के नॉर्मल सादा पानी डाल दिया था, बहुत थोड़ा ही पानी डाला था। तो ये पौधा हमारा बहुत छोटा था पहले, ये वाला। और ये तो बड़ा ही था, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर से कट कर दिया। इसमें साइड से सारी ब्रांचेस वगैरह आ रही हैं और ये अब इतना बड़ा हो गया है। इसकी रूट्स देखिए आप, ये रूट्स कितनी बढ़िया बड़ी हो गई हैं। और इनकी हाइट इतनी बढ़ गई है कि अब मुझे ये ट्यूबलाइट भी ऊपर करनी पड़ गई है, इतनी हाइट पे करी है। अभी तो मैंने रफली ऐसे ही रखी है, इसको थोड़ा एडजस्ट करके हम करेंगे। अब हमारे पौधे सही चल रहे हैं, दोनों में एरेटर लगा रखा है। देखते हैं इसमें फल वल कितने दिन में आते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट में महीना डेढ़ महीना में फिर इसका एक अपडेट डालूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी के साथ के पौधे हैं और उनकी हाइट वगैरह आप देख सकते हैं। ये मैंने गमलों में लगा दिए हैं, जो मतलब हमने बीज से शुरू किए थे अंदर हाइड्रोपोनिक के, एक्स्ट्रा जो थे ये गमलों में लगे हुए। तो इनकी ग्रोथ उतनी नहीं हुई है जितनी उसकी हुई है, तो चलिए देखते हैं क्या कैसा रहता है इफ़ेक्ट ओवरऑल। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।